हमारे समाज के है, अदर भी लोग है, और खासकर हमारे समाज के लोग है जो दलाली करते हैं, और उनका कहना है कि हम समाज के लिए काम करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी लाजी किन्नापुर विधानसभा में जो वाकया हुआ मैं उसको बताना चाहूंगा आप सभी को। आम आदमी पार्टी के द्वारा लालजी के एक प्रत्याशी थे एडवोकेट राजा भेंटे, केजरीवाल ने उनको प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन 30 तारीख के पहले उनको टिकट नहीं दिया केजरीवाल ने। मैंने भी वहां पर मेहनत किया, चलो हमारे व्यक्ति को टिकट मिल रही है, किसी एससी के व्यक्ति को टिकट मिल रही है, लेकिन केजरीवाल ने गद्दारी किया और पैसे खा के उसने टिकट नहीं दिया। इसका मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आज आम आदमी पार्टी का विरोध करता हूं और सभी साथियों को बोलता हूं, कृपया आम आदमी पार्टी को वोट न दे। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है, देशद्रोही है ये। उसने बोला था कि 230 पूरी सीटों पर टिकट लगाऊंगा, सारे प्रत्याशियों को खड़ा करूंगा, लेकिन उसने पैसे खा के हमारे लोगों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ अन्याय किया उस व्यक्ति ने। ऐसा व्यक्ति हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दिल्ली के लायक भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है उसका, क्योंकि वो स्वर्ण जाति का है और स्वर्ण जाति के व्यक्ति बहुजन समाज के लिए कभी काम नहीं कर सकते। और आप सभी से निवेदन है, आम आदमी पार्टी को कृपया वोट न दे। ये मेरा खुद का देखा हुआ अनुभव है कि उस व्यक्ति ने टिकट नहीं दिया लालजी में, जबकि उस प्रत्याशी का राजा भेंटे का नाम घोषित हो चुका था, 4-5 महीनों से काम कर रहा था। क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो अपने बातों पे खरा नहीं उतरती और दलालों को टिकट देती है, ऐसे दलालों को टिकट देती है जो न समाज के है न देश के है? तो कृपया साथियों, आप लोग सभी से निवेदन है, ऐसे दलालों से सावधान रहे। मैं मुकेश मेश्राम केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, कैसे सरकार बनाता है वो देश में, कैसे सरकार बनाता है देखता हूँ मैं।